welcome to this session. We are going to start up with chapter number 6 now, and the name of the chapter, as I mentioned above, is Tariff and Non-Tariff Barriers. most of the economists in the world, they agree to the fact that free movement of goods or free trade policy is one of the best methods to actually implement. It is one of the best trade policies to apply. There is a lot of evidence to show that jo countries liberalized trade policy adopt karte hain unko aage jaake bahut zyada development mein fayda hota hai. There is a greater benefit, there is a greater welfare to it. To by and large, obviously efficiency badhti hai. So all in all, most of the economists agree that liberalized trade policy is the way to go forward. However, every country has to decide when to adopt a liberalized policy, because her country ka situation alag alag hota hai. Theek hai? At different stages of a country's situation, the country can adopt a different trade policy. Bahut sare situations aate hai. Aapka current account deficit bahut aayi hai. Aap current account, capital account wagera padhoge. Balance of payments adverse hai. Aapka import bahut zyada badh gaya hai. Aapka export bilkul nahi ho raha hai. Export kam ho raha hai. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. तो ये सिचुएशन में कोई भी कंट्री यही चाहेगा कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बचा रहे और हम अकॉर्डिंगली इससे डील करें. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम एवरी कंट्री हैज़ अ राइट टू इम्पोज द काइंड ऑफ बैरियर्स और पॉलिसीज दैट इट सीज फिट. टैरिफ्स हो सकते हैं, नॉन टैरिफ हो सकता है बैरियर. आपको एक्सपोर्ट पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ज़रूरत की चीज़ें आपके देश से बाहर ना चली जाए. आपको ये भी चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ों के आपके देश में ज़रूरत हो वो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट ना हो जाए बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन और एनी रीज़न. लेट्स टेक अप एन एग्जांपल. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली. ठीक है, अवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. बिफोर दैट इट वॉज रूल्ड बाई द ब्रिटिशर्स फॉर 100, 200, 300 ईयर्स. एंड ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे ट्रेडिंग करने. शुरुआत में उन्होंने ट्रेडिंग की, फिर धीरे 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 यहाँ के मास्टर्स बन बैठे. और वी ऑल नो दैट ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत, इंडिया वॉज कॉल्ड एज अ सोने की चिड़िया. बट आफ्टर दैट सोना चला गया, चिड़िया रह गई. सो द ब्रिटिशर्स हैव एक्चुअली लूटेड अवर कंट्री अ लॉट. एंड वेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, प्रोबेबली वी वर वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम. प्रोबेबली बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी थे जो अपने से आगे थे उस पॉइंट इन टाइम पे. तो 1947 में इंडिया का सिचुएशन देखो, हमें फॉरेनर्स लूट के गए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, हम वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे. हमारा इंडस्ट्रीज था बट मेजरली वो इंडस्ट्रीज ब्रिटिश कंट्रोल था या ब्रिटिश के कुछ साथी थे जिनका कंट्रोल था. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी देखना था. तो 1947 से हमने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाना शुरू किया, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रोटेक्शनिज्म, ताकि हमारे देश में इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो सके, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके. आप लोगों को शायद एक पॉइंट याद होगा तो प्रोटेक्शनिज्म के फेवर में जो फर्स्ट पॉइंट था, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, बस वही सिचुएशन 1947 में हमारे देश में अडॉप्ट हुआ. हमारा नेशनल डेवलपमेंट बढ़ रहा था, हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था, गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज डालनी थी. तो इसके लिए हमने एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई ताकि हमारे जो देश में नई इंडस्ट्रीज बन रही है, जो डेवलप हो रही है उस टाइम पे, उनको फॉरेनर्स से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, उनको फॉरेनर्स से ज़्यादा खतरा ना झेलना पड़े और वो लोग यहाँ पे डेवलप हो सके. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी ये सोच थी कि जैसे 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 आप लोगों ने देखा कि इन्फेंट इंडस्ट्री जो होता है आर्ग्यूमेंट, वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही होता है. वी थॉट दैट 1947-1950 में हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं तो मे बी 20-25-30 ईयर्स के बाद प्रोबेबली ये रुक जाना चाहिए था. बट इट कंटिन्यूड टिल 1991. Only in 1991, when we were facing a very, very severe balance of payment issue, and when we did not have anywhere to go to, or when we did not have any money, there were restrictions imposed on us, and we had to open up our economy, and we had to move from protectionism to slowly towards liberalization. And that is how we have understood liberalization, privatization, and globalization. Opening up your economy, liberal economy is what we study. So,
बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वट एवर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट एवरी कंट्री फेसिस अ डिफरेंट सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन द कंट्री हैज टू अडॉप्ट सर्टन प्रोटेक्शनिस्ट और नॉन प्रोटेक्शनिस्ट, लिबरल और नॉन लिबरल मेजर्स. ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वेन वी स्टडी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, देर आर डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ओके, एंड विद एवरी कंट्री वी माइट हैव अ डिफरेंट रिलेशन, देर आर डिफरेंट सिचुएशंस. Like for example, take a look at Pakistan, take a look at what is our situation or relation with Pakistan. So definitely our relation with Pakistan is different and the trade conditions with Pakistan will be different. Our relation with USA is different and the trade conditions with USA will be different. तो हम लोग जब protectionism या free trade की बात करते हैं तो ये एक generalized policy नहीं होती है, ये countries के साथ, situations के साथ, commodities के साथ, industries के साथ बदलती है. Okay? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा आई टी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारे आई टी सेक्टर में फ्री ट्रेड पॉलिसी भी हम अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत वीक है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं अपना सकते, वहाँ हमें डेफिनेटली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ही अपनानी पड़ेगी. सो एवरी कंट्री, एवरी सिचुएशन, एवरी सेक्टर, एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ डिफरेंट नीड एंड बेस्ड ऑन दैट नीड द पॉलिसी हैज़ टू बी अडॉप्टेड. ओके, सो जो पॉलिसी कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं उसमें ज़्यादातर सबसे पॉपुलर शुरुआत में था टैरिफ बैरियर और धीरे धीरे नॉन टैरिफ बैरियर की तरफ गाड़ी आगे बढ़ी. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैरियर. बैरियर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, टू स्टॉप. ओके, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैरियर्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड टैरिफ बैरियर, इट मीन्स आप किसी भी देश में, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैरिफ ओवर हियर. देखो मैंने लिखा है टैरिफ का मतलब होता है टैक्स इम्पोज्ड, टैक्स इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज, कमोडिटीज दैट आर ट्रेडेड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. कोई भी कमोडिटी आपके कंट्री की बाउंड्री से या तो बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, उन कमोडिटीज पे जब आप कोई टैक्स इम्पोज करते हो तो इट बिकम्स अ टैरिफ, राइट. तो ये एक बैरियर है. ठीक है, अब ये बैरियर आप इम्पोर्ट्स पे भी लगा सकते हो, एक्सपोर्ट्स पे भी लगा सकते हो. जब आप इम्पोर्ट्स पे लगाओगे तो इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि इम्पोर्ट आने वाला है, उस पर आप टैक्स लगाओगे तो डोमेस्टिक मार्केट में वो महंगा हो जाएगा, करेक्ट. और एक्सपोर्ट्स पे भी लगा सकते हो. ठीक है, तो जब आप कोई बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसकी जो एक्सपोर्ट इनकम होगी उस पर आप ये टैक्स लगाओगे. ठीक है, तो इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं. अब इम्पोर्ट्स कॉस्टली होने की वजह से क्या होगा, जो लोकल लोग हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का माल खरीदेंगे क्योंकि उनके इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो गए. एक्सपोर्ट्स पे लगाओगे तो क्या होगा, जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वही माल वो डोमेस्टिक लोकल इंडस्ट्री में बेचेगा. तो इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज होती है जिसका शॉर्टफॉल हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, वो कमोडिटीज एक्सपोर्ट नहीं होती, वो डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा बिकती है. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स अग्री द फैक्ट दैट लॉन्ग रन में आप टैरिफ ज़्यादा इम्पोज नहीं कर सकते. लॉन्ग रन में टैरिफ के हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट होते ही है, चीज़ें कॉस्टली हो जाती है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है और रिटेलिएटरी इफेक्ट्स ज़्यादा होती है, राइट. दीज आर द थ्री थिंग्स दैट हैपन इन द लॉन्ग रन एंड दैट इज वाई टैरिफ्स आर नॉट गुड फॉर द कंट्री, फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेड डेवलपमेंट. नाउ व्हेनेवर अ कंट्री इज अंडरगोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपिंग, ग्रोइंग, एवरी कंट्री हैज अ राइट टू इम्पोज टैरिफ्स. ठीक है, बट 1992 में WTO आया और WTO ने बोला कि अब हर कंट्री को टैरिफ रिस्ट्रिक्शन कम करना पड़ेगा और टैरिफ्स घटाने पड़ेंगे. आफ्टर दैट स्लोली एंड स्टडीली ऑल द कंट्री स्टार्टेड अडॉप्टिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स. वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर अ लिटिल लेटर, बट टैरिफ का मतलब आप लोग समझे ना, और उससे क्या होता है, दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर. किसी भी कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टैरिफ इम्पोज करने के, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना. टैरिफ्स है, इंपोर्ट तो होगा ही, एक्सपोर्ट भी होगा. अगर कंपलसरी प्रोडक्ट है, इन इलास्टिक प्रोडक्ट है, डिमांड है, तो क्या होगा, द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी विल कीप ऑन गेटिंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. सो ऑन दैट इफ यू इम्पोज अ टैक्स इट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल इनकम फॉर द गवर्नमेंट. सो डेफिनेटली इट इंक्रीजेज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है, टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. मैंने ये बोला इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं, तो दैट मीन्स इम्पोर्टेड प्रोडक्ट कॉस्टली होगा. डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर सस्ता है तो ज़्यादा बिकेगा, अगर महंगा है तो कॉम्पिटेबल बन जाएगा. ठीक है, तो इट विल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. अगर इम्पोर्ट महंगा होता है
तो जाहिर सी बात है इम्पोर्ट अगर महंगा होगा तो लोग इम्पोर्ट करना कम कर देंगे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वैसे के वैसे बने रहेंगे. टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सो नंबर वन इज टू इंक्रीज, नंबर टू इज टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट. इंक्रीज व्हाट? रेवेन्यू. सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट होम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. कंजर्व व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. टू मेक डोमेस्टिक प्राइजेस कॉम्पिटिटिव. डेफिनेटली आप इम्पोर्ट्स पे टैक्सेस लगा रहे हो तो आपके इम्पोर्ट्स महंगे हो गए ना, डोमेस्टिक प्राइजेस ऑटोमेटिकली कॉम्पीट कर पाएंगे या डोमेस्टिक प्राइजेस सस्ते हो जाएंगे, इट विल बिकम कॉम्पिटिटिव. आप दूसरे कंट्रीज पे अपना रिडक्शन डिपेंडेंस घटा रहे हो, आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ताकि दूसरे कंट्री से आपको जो मंगाना पड़ रहा है, इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, वो आप इम्पोर्ट ना करो. लाइक फॉर एग्जाम्पल 1960s में और 60s के पहले 40s 50s और 60s में हमारे देश में फूड ग्रेन का भी शॉर्टेज था. कैन यू इमेजिन फूड ग्रेन का शॉर्टेज? मतलब हमारे पास हमारे देश के लोगों का पॉपुलेशन का पेट भरने तक के फूड ग्रेन्स नहीं थे. वी वर फेसिंग अ सीवियर शॉर्टेज. इमेजिन करो अगर वही हालत आज होती और प्रोटेक्शनिज्म नहीं हुआ होता तो हमें फूड ग्रेन्स भी इम्पोर्ट करने पड़ते. ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और प्रोडक्शन हम लोग अभी भी मीट कर पा रहे, बट इमेजिन. सो टैरिफ से क्या होता है, यू मेक द इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर. ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स ओवर हियर एंड योर डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज विल डिक्रीज. इट विल लीड टू वॉट? सेल्फ सफिशियंसी. बिकॉज वॉट एवर इज रिक्वायर्ड नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग इन योर ओन कंट्री एंड यू आर ऑल्सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. आपके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहे हैं, लोकल बना रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज आ रही है एंड यू आर एबल टू जनरेट वॉट एवर यू नीड ओवर हियर ओनली. सो अल्टीमेटली इट प्रिवेंट्स शॉर्टेजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट. आप प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ा रहे हो और आप एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हो क्योंकि आप एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगा रहे हो तो लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. लोग क्या करेंगे? वही चीज़ यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेजेस नहीं होंगे. दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स. टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, टू मेक डोमेस्टिक प्राइजेस कॉम्पिटेटिव, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, सेल्फ सफिशियंसी इंक्रीज करो, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट विद इन द कंट्री एंड टू प्रिवेंट शॉर्टेजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट. राइट ऑल ऑफ यू, दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स व्हाई टैरिफ्स आर इम्पोज्ड. करेक्ट. नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड वॉट इज अ टैरिफ, लेट अस अंडरस्टैंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद टाइप्स ऑफ टैरिफ्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आर द टैरिफ्स इम्पोज्ड और वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स बेस्ड अपॉन हाउ आर दे इम्पोज्ड. आई हैव मेड अ चार्ट ओवर हियर. These are the different types of tariffs based on their different classifications. So this is how we are going to classify the tariffs. The first type that we are going to study is on the basis of imposition, how they are imposed on a particular product, right? So we have five types of tariffs that are imposed on a particular product, and it is specific, ad valorem, composite, mixed and tariff quota. Fine, all of you, what do you mean by the word specific? It's fixed. Okay, so it is like 50 rupees per kg or 100 rupees per kg or 10 rupees per kg. It's fixed. Now, in this scenario, what happens is they are imposed on agricultural products, chemicals, fertilizers, cement, commodities. But the problem with this is you have to pay a fixed price. It does not depend on the value of the commodity. Okay, that is one disadvantage. So, wherever there is a very high volume and low value, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होता है और वो वैल्यू कम होता है, तो उस पर ये टाइप का ड्यूटी लगता है विच इज़ स्पेसिफिक टैरिफ. ठीक है, हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि इक्विटी आए, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि सम पीपल माइट हैव टू पे मोर. दूसरा होता है एड वैलोरम, वैल्यू एडेड ड्यूटी. वैल्यू एडेड मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइस, द वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट यू आर बाइंग. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और फॉर एग्जाम्पल सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम? से 1 lakh. So you have to pay 10% on 1 lakh or 10% on 30,000 or 10% on 40,000. So it is the percentage of the value that you have bought that you are supposed to pay. It is always in terms of percentage, and these are imposed on goods or commodities whose value is high. Okay, so abhi gold ekdam halka hota hai but value bahut zyada hoti hai. Mobile phones, computers, electronic items ho sakta hai ki halke ho,
लेकिन वैल्यूज ज़्यादा होती है. सो इन सच सिनेरियोज एड वैलोरम और वैल्यू एडेड ड्यूटीज आर अप्लाइड. थर्ड है कंपाउंड और कंपोजिट टैरिफ्स. ठीक है, मैंने थर्ड लिखा है कंपाउंड और कंपोजिट. ये दोनों का मिक्सचर होता है. ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ अप टू अ सर्टन लिमिट. से फॉर एग्जाम्पल आप 10 किलो माल लेके जा रहे हो तो 10 किलो तक 100 रुपया. ठीक है, फिर 11 रुपया होगा तो भाई 11 रुपये सॉरी 10 किलो तक 100 रुपया, फिर 11 किलो हो जाएगा तो 1 किलो का सर्टन परसेंटेज, 1 किलो की वैल्यू का सर्टन परसेंटेज. सो इट इज़ मिक्स्ड. ठीक है, कंपोजिट को बहुत बार कंपाउंड भी बोलते हैं. आपकी बुक में शायद कंपाउंड भी दिया होगा. ठीक है, आई विल मेक इट अ पॉइंट ओवर हियर. उसके बाद आता है मिक्स्ड. मिक्स्ड का मतलब होता है दोनों अप्लाई होता है, इधर और. ये एंड है, एंड दोनों अप्लाई होता है, और ये और है, और दोनों में से एक अप्लाई होता है. ठीक है, 8% और 100 रुपीज़ विच एवर इज हायर, 9% और 20 रुपीज़ विच एवर इज हायर. तो मिक्स्ड में दोनों अप्लाई होता है. एंड फाइनली यू हैव समथिंग कॉल्ड एज टैरिफ कोटा. ठीक है, अगर आप उस पर्टिकुलर कोटा में कोटा लिमिट पे जाते हो तो आपको कम टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर आपने कोटा लिमिट को क्रॉस किया है तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा टैरिफ, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेगा यहाँ पे. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टैरिफ इन द लास्ट इन द प्रीवियस फ्यू सम टाइम अगो. ठीक है, सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ टैरिफ ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन. किस हिसाब से लगता है उस हिसाब से ये पांचों क्लासिफिकेशन है. दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस मकसद से हमने ये ड्यूटीज या टैरिफ्स अप्लाई किया. एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव. सी इन एनी डेवलपिंग कंट्री इनडायरेक्ट टैक्सेज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम. ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत बार इम्पोर्ट्स पे या एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेज लगाती है, ड्यूटीज लगाती है इन ऑर्डर टू ऑन इनकम. ठीक है, सो वेन एवर गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग एनी ड्यूटी इन ऑर्डर टू अर्न मोर रेवेन्यू और अर्न मोर इनकम, इट इज रेवेन्यू बेस्ड और इट इज अ रेवेन्यू टैरिफ. ठीक है, वाई? बिकॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल्स कैपेसिटी टू पे टैक्सेज इज अ लिटिल लोअर. सो दैट इज द रीजन वाई वी हैव टू इम्पोज रेवेन्यू टैरिफ, सो दैट द गवर्नमेंट कैन अर्न मोर मनी एंड फुलफिल इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स. दूसरा होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ, अपने देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई टैरिफ लगाती है इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे तो इट बिकम्स अ प्रोटेक्टिव टैरिफ. कोई भी टैरिफ अगर इंपोर्ट पे लगता है तो वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता ही है, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्टिव टैरिफ का होता है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, इम्पोर्ट्स को थोड़ा महंगा करना. टैरिफ रेट ज़्यादा होगा, प्रोटेक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा. लेकिन अगर डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है यानी हम प्राइस इंक्रीज के साथ भी माल को खरीद सकते हैं तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. राइट, लेट्स कम टू सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स. थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स. गुड्स कहाँ से आता है, इम्पोर्ट कहाँ से आता है. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. जहाँ से भी गुड्स आता है, जहाँ से भी हमारे पास इम्पोर्ट होता है, हम डायरेक्टली उस पर ड्यूटी इम्पोज कर देंगे. वी विल डायरेक्टली इम्पोज ड्यूटी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट, द नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी. डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है अलग अलग कंट्रीज से आने वाले माल पर हम अलग अलग ड्यूटीज लगाएंगे. अगर फ्रेंडली कंट्री है तो उससे कम ड्यूटी लगाएंगे, अगर न्यूट्रल कंट्री है तो थोड़ा ज़्यादा ड्यूटी लगाएंगे, अगर एनिमी कंट्री है या बैंड कंट्री है तो उस पर और ड्यूटी लगाएंगे. दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी. ठीक है, मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है. मिनिमम टैरिफ एंड मैक्सिमम टैरिफ. मिनिमम टैरिफ इज द टैरिफ दैट यू अप्लाई ऑन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन. WTO मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है कि हम हर एक मेंबर को यही टैरिफ से इम्पोज करेंगे, इससे ज़्यादा हम इम्पोज नहीं करेंगे. सो दैट इज द मिनिमम. एंड मैक्सिमम इज समथिंग दैट द कंट्री हैज़ इन इट्स बार्गेनिंग पावर इन फ्रंट ऑफ द अदर कंट्री वाइल नेगोशिएटिंग फॉर अ ट्रेड डील. और तीसरा होता है प्रेफरेंशियल टैरिफ. प्रेफरेंशियल टैरिफ मतलब अगर दो कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट किया है कि आप मेरा राइस लोगे और मैं आपका सॉफ्टवेयर लूंगा, तो दैट इज़ अ प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट. तो जब भी प्रेफरेंशियल टैरिफ होता है तो दैट मीन्स प्रिफर्ड कंट्री जहाँ से गुड्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम कम टैरिफ इम्पोज करेंगे. राइट, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉरी फोर टाइप्स ऑफ टैरिफ्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स. राइट, देन वी कम अक्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन. रिटेलिएशन मतलब रिएक्शन, हमने रिएक्शन दिया. तो पहला होता है काउंटरवेलिंग. काउंटरवेलिंग मतलब क्या, दूसरे कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता करने के लिए अपने देश में कंपनीज को फार्मर्स को सब्सिडीज देते हैं.
तो उनका माल सस्ता हो जाता है, तो उनका माल जब हमारे देश में इम्पोर्ट होके आता है तो इट इज़ वेरी चीप, ठीक है। उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट जब उस पर ड्यूटी इम्पोज करती है तो दैट बिकम्स अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी और अ काउंटर वेलिंग टैरिफ, करेक्ट ऑल ऑफ यू, उसको क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग टैरिफ, ये एक होता है। दूसरा होता है रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी मतलब कंप्लीट रिएक्शन में, उस कंट्री ने हमारे एक्स गुड्स पर टैरिफ इम्पोज किया तो हम उस कंट्री के वाई गुड्स पर टैरिफ इम्पोज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया ने यूएसए के कोई कोई गुड्स पे टैरिफ इम्पोज करना शुरू कर दिया, तो यूएसए ने भी रिटेलिएशन के लिए या रिएक्ट करके हमारे कुछ कुछ गुड्स पे टैरिफ इम्पोज करना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ अ रिटेलिएटरी टैरिफ और अ रिटेलिएशन मेजर। थर्ड होता है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग का मतलब होता है वेन एवर अ कंपनी और अ कंट्री इज ट्राइंग टू डंप इट्स प्रोडक्ट्स, डंप मतलब सेल एट अ वेरी चीप रेट, लेसर रेट देन इन इट्स ओन मार्केट ऑल्सो। सो दैट मीन्स आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल बी हैम्पर्ड, दे विल सफर अ लॉट, एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेज ऑन देम सो दैट द प्राइजेज ऑफ दीज पर्टिकुलर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड कमोडिटीज बिकम इक्वल टू द डोमेस्टिक कमोडिटीज, दैट प्राइजेज और सॉरी दोज टैरिफ्स और दोज ड्यूटीज आर कॉल्ड एज एंटी डंपिंग ड्यूटीज, राइट ऑल ऑफ यू, एंटी डंपिंग ड्यूटीज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दे आर इम्पोस्ड वी हैव फोर क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स। एक होता है इम्पोजिशन, दूसरा होता है पर्पज, तीसरा होता है इम्पोर्ट्स का सोर्स और चौथा होता है रिटेलिएशन। इम्पोजिशन में पांच है, स्पेसिफिक एड वेलोरम कंपोजिट और कंपाउंड मिक्स एंड टैरिफ कोटा। पर्पज में दो है, रेवेन्यू और प्रोटेक्टिव। सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स में चार है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी मिनिमम मैक्सिमम एंड प्रेफरेंशियल। और रिटेलिएशन में तीन है, काउंटर वेलिंग, रिटेलिएटरी एंड एंटी डंपिंग, राइट ऑल ऑफ यू। तो दीज आर द फाइव वेज इन विच द टैरिफ्स आर क्लासिफाइड। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स, द इफेक्ट्स दैट टैरिफ्स हैव ऑन द डोमेस्टिक कंट्री। सबसे पहला इफेक्ट होता है प्रोटेक्टिव इफेक्ट। द टैरिफ्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाई मेकिंग इम्पोर्ट्स एज कॉस्टलियर एज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सी वेन एवर वी इम्पोर्ट समथिंग, इफ द इम्पोर्ट इज चीपर, इट इज गोइंग टू हैम्पर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इट इज गोइंग टू किल द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज एबल टू सर्वाइव एंड कॉम्पीट विद द इम्पोर्ट्स आर मेड कॉस्टलियर बाई इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन दैम। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज रेवेन्यू इफेक्ट। इट इंक्रीजेज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, द गवर्नमेंट इज एबल टू अर्न मोर बाई इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। सी इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक, दैट मीन्स इवन आफ्टर द इंक्रीज ऑफ प्राइजेस आफ्टर इम्पोजिशन, एक बार हम इम्पोज करेंगे टैरिफ तो जाहिर सी बात है कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है फिर भी लोग उसकी डिमांड कम नहीं करते तो गवर्नमेंट को इससे फायदा ही होने वाला है। तो जाहिर सी बात है द टैरिफ्स ऑल्सो लीड टू रेवेन्यू इफेक्ट। इफ द डिमांड डज नॉट डिक्रीज विद द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, इट इज गोइंग टू लीड टू अ बेनिफिशियल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा इनकम फॉर द गवर्नमेंट। नंबर थ्री, कंजम्पशन इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन इफेक्ट? सी कंजम्पशन होता है तो इट्स लाइक दिस, टैरिफ्स हेल्प टू शिफ्ट द कर्व इन द फेवर ऑफ प्रोड्यूसर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, बहुत बार इसको नेगेटिव भी लेते लेकिन एक्चुअली ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव है। देखो, इम्पोर्ट्स अगर सस्ता होगा तो मेरे को फायदा है, ठीक है, मैं सस्ता वाला क्वालिटी गुड्स खरीदूंगा। लोकल माल महंगा है, मैं लोकल माल नहीं खरीदूंगा। अगर इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगता है तो मेरा जो एडवांटेज था ना वो प्रोड्यूसर्स के पास चला गया, प्रोड्यूसर्स अपना माल अब बेच पाएंगे। तो मेनी अ टाइम्स वी से दैट टैरिफ्स ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ वेलफेयर, ठीक है, दे ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, दे क्रिएट प्रोड्यूसर सरप्लस, दे लीड टू गवर्नमेंट्स एडिशनल रेवेन्यू। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, इट कंजम्पशन इफेक्ट, थोड़ा कंजम्पशन में फर्क पड़ता है, ठीक है। सो इट इज अ नेगेटिव कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ टैरिफ, दैट इज व्हाट योर बुक सेज, नेगेटिव टैरिफ, नेगेटिव इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। फिर होता है रेवेन्यू इफेक्ट, हम लोग ने ऑलरेडी रेवेन्यू इफेक्ट देख लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, सी आई टोल्ड यू, डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन जो भी बोले, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, द फेवर इज शिफ्टेड इन द प्रोड्यूसर्स फेवर। तो सरप्लस जो कंज्यूमर सरप्लस पे था वो प्रोड्यूसर्स सरप्लस हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स विल एक्सपीरियंस इंक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस एज अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ्स। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर गोइंग टू अर्न बाय सेलिंग एन एक्स परसेंटेज ऑफ
their goods. So they earlier they used to earn more, or sorry, earlier they used to earn less because of competition from imports, but now imports have become costlier, so the producers are encouraged to produce more and to sell more, so they are automatically producer surplus will become more. Terms of trade effect hai next point. Theek hai, to terms of trade effect mein kya hota hai, whatever we are selling to the other country as compared to that whatever the other country is selling us, it becomes equal. When the country imposes a tariff on an imported commodity, the price of X rises in the importing country. With the imposition of tariff and increase in domestic production, assuming that the commodity is price elastic, the demand will fall. Exporting country will have greater supply of commodity X. Assuming that the demand remains the same, the increased supply of X will lead to reduction of price in the exporting country. ठीक है, दिस इज द एडवांटेज. सो द टर्म्स हैव बिकम फेवरेबल. सो उनकी खुद की कंट्री में टर्म्स फेवरेबल होते हैं, अपनी कंट्री में भी टर्म्स फेवरेबल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव इफेक्ट. डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव इफेक्ट तो एकदम सिंपल है. व्हेन आई इम्पोज टैरिफ्स, इम्पोर्ट्स बिकम कॉस्टली है ना, दे बिकम इक्वल टू द गुड्स इन माई कंट्री, करेक्ट. सो दे आर नाउ कॉम्पिटेटिव. सो दिस इज कॉम्पिटेटिव इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एंड फाइनली यू हैव समथिंग कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफेक्ट. इवेंचुअली if your imports are getting slowed down or stopped, your outflow of foreign currency will also stop or reduce, no? So because of that, your foreign exchange will be managed or maintained and your balance of payments issue will be stable, right? So these are the 8 effects: protective effect, revenue effect, consumption effect, distribution effect, terms of trade effect, competitive or competition effect, income effect and BOP effect. Income effect mein लोकल लोगों की इनकम बढ़ती है, लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. क्यों? क्योंकि लोकल गुड्स का डिमांड बढ़ता है. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट होने वाला गुड्स जो है बिकॉज ऑफ टैरिफ वो महंगा हो गया है, राइट? ऑल ऑफ यू, दैट इज द पॉइंट ओवर हियर, करेक्ट. सो दीज आर द 8 इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स. नाउ लेट्स मूव टू दैट साइड ऑफ द बोर्ड एंड वी विल फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड एज अ नॉन टैरिफ बैरियर. नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब होता है अदर देन टैरिफ हाउ the government is trying to stop or reduce imports from coming into a country, right? So let me just put a few things on board now and then we'll continue. So now we are talking about the non-tariff barriers. Non-tariff barriers ka matlab hota hai tariffs ko chhod ke ya tariffs ke alawa countries apne trade ko ya apne domestic industry ko protect karne ke liye jo other than tariff supply karti hai, that is what is called as a non-tariff barrier, fine. So what is a non-tariff barrier? A non-tariff barrier is something which is beyond tariff, it is beyond tax. WTO ke aane ke baad, WTO ke saare organizations ne milke decide kiya ki hum taxes kam karenge, import duties kam karenge, tariffs kam apply karna shuru karenge, we will provide a level playing field. Lekin bahut saari countries apne desh ki domestic industry ko bachane ke liye non-tariff barriers apply karti hai, jisme sabse effective ya sabse important aata hai first one, quotas, jo China bahut karta hai, theek hai. Quota matlab kya? You are allowed to import only a certain amount, only a certain number of goods that you want to import. You will not be allowed to import 100%. You will be allowed to import only 30%, 40%, 50%, depending on how serious the need for that product is to you. So that is a quota. Quotas are tariff quotas. तो एक certain limit तक आप low tariff पे या zero tariff पे import करो, उसके बाद अगर आपकी limit cross हो जाती है तो आप पे बहुत high tariff impose होगा. Okay, so that's a tariff quota. You have a unilateral quota. Unilateral quota मतलब government एक ही country apply करता है अपने end से अपनी domestic industry को protect करने के लिए. बायलैटरल होता है, दोनों कंट्रीज का एक लिमिट हो जाता है कि एक्स पर्टिकुलर और वाई पर्टिकुलर गुड्स विल नॉट बी इम्पोर्टेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. यू हैव मिक्सिंग कोटा एंड यू हैव इम्पोर्ट लाइसेंसिंग. मिक्सिंग कोटा का मतलब होता है यू हैव टू मेक श्योर दैट अ सर्टेन डोमेस्टिक गुड्स आर ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेड गुड्स फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर आइटम. सो यू द गवर्नमेंट मेक्स श्योर दैट यू ऑल्सो बाय अ सर्टेन डोमेस्टिक goods or raw material along with the imported goods for making a particular product. And finally, import licensing, जो एक license rule के हिसाब से माना जाता है, in order to import a certain commodity or certain product, you need to take the permission of the government and the government will issue a license to you. Only if you have that license, you will be able to allowed or you will be allowed to import a particular product from a particular country. So that is what is the meaning of a quota. Right, all of you.
कोटा का जो इफेक्ट होता है ना, इट इज द सेम एज अ टैरिफ, सेम टू सेम, सेम कोई फर्क नहीं. सिर्फ टैरिफ क्या होता है, मॉनिटरी होता है. कोटा क्या होता है, क्वांटिटी वाइज होता है. क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, इसके बाद आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, द इफेक्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम. यू कैन राइट द इफेक्ट्स दैट वी हैव सीन अ लिटिल अर्लियर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्लाइड. राइट, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स. ठीक है, जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड अग्रीमेंट्स करते हैं तो दूसरा ऑपोजिट कंट्री जो होता है वो वॉलंटरीली ये डिसाइड करता है कि भाई हम आपके देश में इससे ज़्यादा माल या इससे ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड्स दैट ओके, बिकॉज यू हैव अ सर्टन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वी आर वॉलंटरीली डिसाइडिंग दैट वी विल नॉट एक्सपोर्ट अबाउ अ सर्टन लिमिट. सो दैट इज अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने आप पे रखता है. Okay, at the request of the importing country. You have something called as a local content requirement. If you want to import raw material in order to make a finished goods, in order to make that finished goods, you should also buy local raw material along with the imported raw material. So government बोलती है कि अगर आप 100 रुपए का raw material import करते हो और आपको 1000 रुपए की item बनानी है तो कम से कम 200-250 रुपए का लोकल कंटेंट आपको खरीदना पड़ेगा. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. ओके, सो दिस इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट. देयर इज नेक्स्ट दैट द गवर्नमेंट डज, दिस इज वेरी 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 डोमिनेंट इन इंडिया, इट इज प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है अपने आप के लिए सामान, फूड ग्रेन्स, व्हाटएवर डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होता है बहुत बार. तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि वी शुड प्रिफर ओनली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, we should not prefer imported items. Strictly, any company that is involved in imports or any company that uses imported items will not be allowed to take part in the government procurement policy. Government has to procure only from local producers who are making local goods. ठीक है, then you have administrative barriers. Administrative barriers process को लंबा करने के लिए होते हैं, licensing requirement होते हैं, legal requirement होती है, procedural requirement होती है, channeling requirement होती है. आप माल एक्स पर्सन से ही खरीद सकते हो, वाई से नहीं खरीद सकते, आपको एक एजेंसी के पास से जाके परमिशन लेना पड़ेगा. तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर है. तो इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और इम्पोर्टर शायद इम्पोर्ट करना छोड़ देगा या बोलेगा कि लोकली प्रोक्योर कर लेते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, कॉपीराइट लॉज होते हैं. कॉपीराइट लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉन टैरिफ बैरियर्स के हिसाब से. यूएस और यूरोपियन कंट्रीज इसको बहुत यूज करते हैं. ओके, यू शुड नॉट हैव ब्रोकन एनी कॉपीराइट, यू शुड नॉट हैव ब्रोकन एनी लॉ. ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज कॉपीड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अलग होनी चाहिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, एक्सचेंज कंट्रोल्स, कैपिटल पैसा यहाँ वहाँ मूवमेंट नहीं होना चाहिए. एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप पैसा पे कर पाओगे, उसके बाद आप पैसा पे नहीं करोगे. दिस इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू रिजर्व द फॉरन एक्सचेंज. फॉरन एक्सचेंज को भी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, रिजर्व्स को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है. एंड फाइनली जो लास्ट है, प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये सबसे तेज़ हथियार है गवर्नमेंट्स के हाथ में. गवर्नमेंट्स यूज दिस अलॉट. ओके, फूड ग्रेन्स, फार्मास्यूटिकल्स, फिशेज, पोल्ट्री आइटम्स, इनमें बहुत यूज होता है. दे शुड मीट अ सर्टेन स्टैंडर्ड. उनकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ से वो रिक्वायरमेंट आती है, आप वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, फिर वो सैंपल जाएगा, सैंपल टेस्ट होगा उनके हिसाब से. वो अगर सैंपल अप्रूव हुआ तो आप एक बड़ी क्वांटिटी में भेज सकते हो. इफ़ दैट इज एक्सेप्टेड देन यू कैन सेल इन अ बिगर क्वांटिटी. सो दिस इज डन बाई कंट्रीज लाइक US, बाई ऑस्ट्रेलिया, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लेस क्वालिटी आइटम्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू कम इन टू देयर कंट्री. Right, so these are some of the non-tariff barriers that we are studying or we have studied. Right, abhi China se koi bhi agar see, for example, there is something called as a blood diamond jo African countries export karte hai, but UN ne ek resolution pass kiya hai jiske hisab se aap blood diamonds import nahi kar sakte ya blood diamonds mein trade nahi kar sakte. Blood diamonds ka matlab hota hai कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में डायमंड माइंस बहुत थे. अफ्रीका में भी डायमंड माइंस बहुत है, साउथ अफ्रीका में अभी भी बहुत है. सो ये जो डायमंड से माइनिंग होती है ना, उस माइनिंग से जो डायमंड्स निकलते माइंस में से, वो माइंस के डायमंड्स को बेच के जो पैसा आता है उसे हथियार खरीदे जाते हैं, वेपन्स, और उस वेपन्स से अफ्रीकन नेशंस में अशांति फैलाई जाती है. ओके, टेररिज्म,
anarchy, dictatorial rule. So in order to stop this, a step was taken that we will not import diamonds from Africa. Similarly, any company, any mine, any manufacturing entity which employs children, वहाँ से बनने वाला माल भी हम नहीं खरीदेंगे. जहाँ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, हम उन देशों के माल भी नहीं खरीदेंगे. सी, दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस और दीज आर सम ऑफ द मेथड्स दैट हैव बीन एक्चुअली अप्लाइड बाय द कंट्रीज एंड ऑल ऑफ देम कम अंडर टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स. राइट ऑल ऑफ यू? सो दीज आर सम ऑफ द नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट द कंट्रीज सक्सेसफुली अप्लाई. विद दिस वी हैव एंडेड द चैप्टर. ओके, थैंक यू.